उत्पन्ना एकादशी 2023 8 या 9 दिसंबर जाने सही तिथि भूलकर भी ना करें ये एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में मांगश्य मास की उत्पन्ना एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के जरूरी नियमों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। मांगश्य मास को अगन मास भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार मांगश्य मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कही जाती है। इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म माना गया है, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 उत्पन्ना एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। उत्पन्ना एकादशी कब है 2023? पंचांग के अनुसार मांगश्य माह उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 8 दिसंबर सुबह 5:06 पर, जबकि इसका समापन होगा 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। वही जब एकादशी तिथि दो दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ यानी स्मार्ट संप्रदाय वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय को व्रत करना चाहिए। इस बार गृहस्थ जीवन वालों के लिए उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को माननी होगी और 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। उत्पन्ना एकादशी पारण मुहूर्त 2023। पंचांग के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले जो लोग 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत कर रहे हैं, उन्हें 9 दिसंबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 के बीच व्रत का पारण करना चाहिए। वही वैष्णव संप्रदाय के लोग जो 9 दिसंबर को व्रत करेंगे, उन्हें 10 दिसंबर सुबह 7:02 से सुबह 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर पीले फल फूल व नैवेद्य अर्पण करें। पूजा में विष्णु मंत्रों का जाप और तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में आरती कर सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी नियम। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन चावलों का सेवन वर्जित माना गया है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम एक दिन पूर्व दशमी से ही शुरू हो जाते हैं और यह व्रत द्वादशी पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। व्रत के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। एकादशी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और ना ही तुलसी की पत्तियां तोड़नी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।